चीज गट्टा विद पालक ग्रेवी। उसके लिए हमने 3 कप बेसन ले लिया है, 3 पाव इसका मतलब 750 ग्राम पालक ले लिया है। पालक को हमने नीचे से काट के और अच्छी तरह से धो लिया है। अब सबसे पहले एक टोपिया में हम सारे पालक को डालेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, उससे इसका कलर ग्रीन रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही बॉईल करेंगे क्योंकि पालक बहुत पानी छोड़ता है, उसी में ये बॉईल हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच चीनी डालें और अब इसे गैस पे रख के बॉईल होने दें। इसे उलट पलट करते हुए बॉईल करें, नहीं तो पालक नीचे से चिपक जाएगा और उसमें स्मेल हो जाएगी। इस तरह उलट पलट करते हुए बॉईल करें। पालक बॉईल हो चुका है अच्छी तरह से, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे एक चालनी में डालेंगे और उस पर ठंडा पानी डालेंगे। अब हम गट्टा का डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 3 कप बेसन ले लिया है, उसमें 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच मंगरेला डालेंगे काला जीरा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे और 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसमें ये हम चीज़ का गट्टा बना रहे हैं इसीलिए इसमें घी डालेंगे, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें सरसों तेल न डालें और अब पानी डालकर धीरे धीरे पानी डालें, एक बार में न डालें, और एक सख्त डो तैयार कर लें। इस तरह डो तैयार करके अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। जितना बड़ा आपको गट्टा बनाना हो उस हिसाब से इसके बॉल्स बना लें। अब हम 2 कप ग्रेटेड चीज लेंगे और इस तरह बॉल्स को फ्लैट करेंगे, फैलाएंगे इस तरह हाथ से और इसमें चीज को स्टफ करेंगे। अच्छी तरह चीज लेके स्टफ करें और अच्छे से बंद करें ताकि हम जब इसे स्टीम करें पानी में तो ये खुले ना। इस तरह अच्छे से बंद करें, सारे बॉल्स को इसी तरह रेडी कर लें, अच्छे से दबाएं और गोल करके इस तरह सारे बॉल्स रेडी कर लें। इस तरह सारे गट्टे को हम रेडी कर लेंगे और एक तरफ पानी गर्म करने के लिए रखेंगे जिसमें हम गट्टे को बॉईल करेंगे। पानी गर्म हो रहा है, पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दें। इतनी देर एक तरफ कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबलस्पून घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म होने पे 2 बड़ा चम्मच अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, इन सबको मिलाकर पीस लें और इसमें डालें। इसे डाल के अच्छी तरह से सेक लें। इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से सेक लें, जब तक लहसुन का कच्चापन ना निकले तब तक इसे सेकें, लगातार चलाते हुए सेकें। लहसुन सिक जाने पे अब इसमें हम 2 बड़ा साइज का प्याज पीसा हुआ डालेंगे, इसे भी डाल के अच्छी तरह से सेक लेंगे, से भी चलाते हुए सेकें। एक तरफ पानी भी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम गट्टा डालेंगे
पानी बॉयल होने पे इसमें इस तरह सारे गट्टे को डालें और इसे भी इस तरह हल्के हाथों से बीच बीच में चलाते रहें ताकि गट्टा नीचे चिपके ना। एक तरफ इसे चलाते रहें और एक तरफ ग्रेवी को चलाते रहें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह चलाते हुए सेक लें। देखिए प्याज सिक चुका है। अब इसमें हम 3 से 4 बड़े साइज का टमाटर पीसा हुआ डालेंगे। टमाटर को भी तेल छोड़ने तक सेक लेंगे। इन सबको हाई फ्लेम में सेकें ताकि ये जल्दी सिक जाए। गट्टे को भी बीच बीच में चलाते रहें, इसे भी बीच बीच में चलाते रहें। एक तरफ पालक को पीसकर इस तरह बिल्कुल पेस्ट तैयार कर ले। गट्टा अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। अब फ्लेम को एक बार मीडियम में कर दें और 2 से 3 मिनट और इसे इसी तरह उबलने दें। देखिए सारा गट्टा ऊपर फ्लोट करने लगा है, इसका मतलब गट्टा रेडी है। पर 1 से 2 मिनट इसे और इसे इस तरह उबलने दें। ग्रेवी भी सिकने आ चुकी है, इसे थोड़ा और सेकना है। अभी इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए इसे सेकें। गट्टा हो चुका है, देखिए सारा गट्टा ऊपर फ्लोट करने लगा है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। किसी भी बर्तन में इन्हें निकाल लें इस तरह। चाहे तो आप चालनी में छान के भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह भी निकाल सकते हैं। टमाटर सिक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल दें, जिस हिसाब से तीखा खाते हों वैसे डाल दें। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, नमक स्वादानुसार। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सबको डाल के सेक लें। अब हमने जो पालक पीसा था वो डालेंगे और हमने गट्टा जिसमें बॉईल किया था उस पानी से जार को थोड़ा धो लेंगे और उस पानी को इसमें डालेंगे और ज्यादा पानी नहीं डालना है, 1 कप करीब पानी डालें और इसे 1 से 2 मिनट चलाकर गैस को बंद करें। बहुत ज़्यादा देर नहीं चलाना है वरना पालक का कलर चेंज हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट ही चलाना है। अब इसमें गट्टे को डालें। इसे मिला लें अच्छी तरह से। गैस को बंद करें। चीज गट्टा इन पालक ग्रेवी रेडी है। इसमें थोड़ा फ्रेश क्रीम डालकर सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अलग लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे इस तरह बनाएं और रोटी के साथ, पराठों के साथ या फिर चावल के साथ सर्व करें। ये सबको बहुत पसंद आएगा।